हे फैमिली, आप सभी का स्वागत करते हैं मदन गिर मार्केट में। तो हम लोग आ गए हैं मदन गिर मार्केट और ऋषभ का बर्थडे का शॉपिंग करने। तो अभी मार्केट में जस्ट पहुँचे हैं, तो देखते हैं मार्केट में हम लोग क्या लेते हैं। अन्ना जी आ रहे हैं पीछे पीछे। ऋषभ क्या लोगे? साइकिल लेगा। अभी साइकिल घर में पड़ा था तो नहीं चला आए हूँ। गोवा वाले बीच पे ये तो ये अपने लिए नाइटी देख रहे हैं और ऋषभ के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शर्ट वगैरह। तो ना मैं अपने आप टाल दूंगा। क्या पसंद आ गया क्या वो? तो वन्ना जी चलते चलते यहाँ रुक गई हैं, कान के लिए अपना देख रही हैं कुछ। और ये सब शादी वाले आइटम, हल्दी मेहंदी। क्या कहाँ चलाएगा? तो ऋषभ कह रहा हम साइकिल लेंगे, तो देखते हैं कहाँ चलाएगा। पता नहीं कहाँ चलाओगे, घर में। ये ले लो ना ऐसा। हेलो, तो हम लोग आ गए हैं मदन गिर मार्केट डोसा वाले के पास। यहाँ पे बच्चों के लिए देख रहे हैं। तो सोनाक्षी जी सब देख रहे हैं अपने लिए चॉकलेट वोकलेट। आप अब तक गंगा जी कह रहे हैं डोसा खाएंगे ये लोग। चलो ठीक है। तो ऋषभ यहाँ साइकिल के लिए रो रहा है, जो कि इनके पास दो दो साइकिल है फिर भी रो रहे हैं साइकिल के लिए। वन्ना जी यहाँ अपने लिए कुछ देखते हैं ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम लोग ऊपर बैठ गए हैं। सब देखो कहाँ घुस। तो ऋषभ का बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग करने आ गए हैं बर्थडे से पहले डोसा वाले के घर। तो बर्थडे से पहले हम लोग कर रहे हैं ऋषभ का बर्थडे सेलिब्रेट। मसाल डोसा, वड़ा और मोमोस अभी आ रहा है। तो इधर आ गया हमारा पनीर मोमोस। लो जी वन्ना जी खाओ, इंजॉय करो। तो ऋषभ टॉय की दुकान पे आया, देख रहा है कि इसको टॉय पसंद आ रहा है। कौन सा टॉय लोगे? देखो गिरा मत देना। तो हम लोग आ गए हैं ऋषभ के लिए जूता देखने और ऋषभ देखो देखते ही तुरंत पहनना चालू कर दिया।
नेकलेस मिली है। तो यार ऋषभ के लिए जूता देख रहे हैं हम लोग, कैसा लग रहा है ऋषभ? अच्छा है जूता? सभी बच्चों का जूता देखते हैं गंदा हो जाता है, पता नहीं क्या काला काला सा लगा लेते हैं। तो ऋषभ के लिए जूता का क्वालिटी देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है, इसमें लाइट भी जल रहा है। तो ऋषभ चेक कर रहा है, उसको पसंद कर रहा है। हम लोग सामान खरीदने के बाद आ गए केक के दुकान पे और ये सब देख रहा है, कह रहा है केक हम आज रात को काटेंगे, एक केक कल पार्टी में काटेंगे ना पापा। हाँ मतलब अच्छा चलो अभी दिलाएंगे। तो अब हम आ गए हैं दूसरी दुकान पे और देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ है। तो ये लोग झगड़ा कर लिए, कोई कह रहा है ये कलर लो, कोई कह रहा वो कलर लो, समझ नहीं आ रहा है। तो ले लिए हम, देखते हैं और कुछ पसंद आता है तो। नहीं ये वाला ना। तो रात के घड़ी में 12:30 बज गए, तो हम लोगों ने केक को काट लिया है और बर्थडे विश कर दिया। दे इधर इनकी भैया का फोन आ गया, ऋषभ को तो ऋषभ बात कर रहा है। थैंक यू। तो इधर इनकी बुआ का फोन आया है, बोलो क्या बोलेगा बेचारा। थैंक यू तो बोल दो। बोल चुका, मोबाइल में बोल दो। इतनी रात को कौन पढ़ाई करता है 12:30 बजे? हाँ बंद कर। तो इधर प्राची है और दिने भी कह रहा बात नहीं करेंगे। अमित के रेस्टोरेंट में वहीं पे इनका मनाया जाएगा। A few moments later. घर आया है। रात को 2 बजे आ गया है। घड़ियां दिखाई दे, 2:30 बजे अभी। हाँ यार। 2:30 बजे भैया, 2:30। बड़ा लीली इधर सो रहा है, छोटा लीली इधर आ गया है। देखा उठे कोशिश करत है, नान के वाइन उठे कोशिश करत है। कहाँ से आया है घूम के? गाजियाबाद से। फैमिली सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। आज दिन हो गया है संडे का और तारीख हो गई 21/5/2023। आज ऋषभ का बर्थडे है, विश यू हैप्पी बर्थडे। कह रहा गिफ्ट क्यों नहीं दिए। तो चलते हैं नहा लेते हैं, फिर हम लोग जाने वाले हैं ऋषभ के बर्थडे के पार्टी मनाने के लिए। तो हाँ क्या दिला दो? कह रहा पापा साइकिल दिला दो। साइकिल इसके पास है लेकिन चलाता नहीं है, नया नया साइकिल रहेगा, 2-3 दिन चलाएगा फिर कोने फेंक देगा, पड़ा रहेगा वैसे ही, घर में जगह नहीं है। कह रहा 13 दिन चलाएगा, हम कह रहे 2-4 दिन चलाएगा, कह रहा हम 13 दिन चलाएंगे। इधर वंदना जी अपना किचन में काम कर रही हैं। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और ऋषभ का बर्थडे का ब्लॉग आएगा, देखते हैं अच्छे से मनाते हैं उसका बर्थडे, खूब इंजॉय करते हैं। आप सब भी हमारे साथ इंजॉय करिए हमारे वीडियो को देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक करते हैं।